स्वागत है आप सभी का दोस्तों आपके अपने चैनल स्टडी विद स्वाति में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे लेसन प्लान नंबर 5 को लेकर के, जो कि आपका साइंस सब्जेक्ट से रिलेटेड है और आज का टॉपिक है हमारा वाटर। इसके प्रीवियस वीडियो की बात की जाए तो हमने लेसन प्लान नंबर 1, 2, 3 और 4 को लेकर के बात की थी, जो कि आपके साइंस या बायोलॉजी सब्जेक्ट से रिलेटेड थे। तो अगर आप बीएड थर्ड सेमेस्टर में हैं और आपको लेसन प्लान तैयार करने हैं साइंस सब्जेक्ट के लिए, तो इसके लिए आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं। वहां पर आपको ऑलरेडी 1 to 17 लेसन प्लान प्रोवाइड करा दिए गए हैं, जिसे देख करके आप अपने टीचिंग के लेसन प्लान तैयार कर सकते हैं। यहाँ पर हम एक नई फाइल को लेकर के बात कर रहे हैं, जो कि आपके साइंस सब्जेक्ट से ही रिलेटेड हैं। यहाँ पर आपको 1 to 20 लेसन प्लान दोबारा से बताए जा रहे हैं, जिसमें आपके जो टॉपिक हैं वो अलग अलग हैं, ठीक है। तो यहाँ से भी आप अपने लेसन प्लान तैयार कर सकते हैं साइंस सब्जेक्ट के लिए और अपने टीचिंग के लिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। सबसे पहले आप यहाँ पर लेसन प्लान नंबर यानी नंबरिंग आप अपने अकॉर्डिंग करेंगे, ठीक है। उसके बाद डेट यानी दिनांक, जिस भी डेट को आप लेसन प्लान बनाएंगे यहाँ पर वो डेट डालिएगा, आप डेट कॉपी मत करिएगा। क्लास की बात की जाए तो क्लास आपकी 6 है। सब्जेक्ट की बात की जाए यहाँ पर साइंस पढ़ा है, टॉपिक है आपका वाटर। तो आप वाटर को क्लास 6, 7 या 8 के लिए भी बना सकते हैं, तो क्लास भी आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। पीरियड की बात की जाए यहाँ पर सेकंड पड़ा है, आप अपने अकॉर्डिंग फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ जो चाहें डाल सकते हैं। उसी तरीके से ड्यूरेशन यानी टाइम पीरियड भी आप 30 to 45 मिनट डिवाइड करके लिख सकते हैं, अदरवाइज़ आप ऐसे ही चीज़ें कॉपी कर लीजिएगा डेट को छोड़ करके। उसके बाद हम देखेंगे जनरल एम्स यानी जिसे आप सामान्य उद्देश्य कहते हैं हिंदी में। जनरल एम्स की बात की जाए तो इसमें आप जनरल इन्फॉर्मेशन देंगे अपने स्टूडेंट्स को सब्जेक्ट से रिलेटेड। सब्जेक्ट क्या है आपका? साइंस। तो साइंस सब्जेक्ट से रिलेटेड आप जनरल इन्फॉर्मेशन देंगे अपने स्टूडेंट्स को, जिनका प्रयोग बच्चे अपने दैनिक जीवन में भी कर सकते हैं। तो ये हो गए सामान्य उद्देश्य यानी जिसे आप जनरल एम्स कहते हैं, जिसमें आप सब्जेक्ट से रिलेटेड ही जनरल इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो आप इन्हें देख लीजिए, आप वीडियो पॉज करके इन पॉइंटों को कम कर सकते हैं या फिर आप बढ़ा करके भी लिख सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे स्पेसिफिक एम यानी जिसे आप विशिष्ट उद्देश्य कहते हैं हिंदी में। स्पेसिफिक एम की बात की जाए तो इसमें आप टॉपिक से रिलेटेड स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन देंगे या स्पेशल नॉलेज देंगे अपने स्टूडेंट्स को। इसमें आपके 3 पॉइंट रहेंगे। फर्स्ट रहेगा आपका कॉग्निटिव डोमेन, सेकंड रहेगा अफेक्टिव डोमेन और थर्ड रहेगा साइको मोटर डोमेन। तो आप इन तीनों पॉइंटों को देखिए, क्योंकि आप इन तीनों पॉइंटों के बेस पे ही अपने स्पेसिफिक एम को लेकर के चलते हैं, ठीक है। तो ये हो गए आपके 3 पॉइंट, जिसमें आप टॉपिक को ध्यान में रख कर ही विशिष्ट उद्देश्यों की पूर्ति करेंगे। उसके बाद आएगा टीचिंग एड्स यानी जिसे आप TLM कहते हैं। टीचिंग एड्स की बात की जाए तो इसमें आप टॉपिक को पढ़ाने के लिए जो भी चीज़ें यूज़ करेंगे, जैसे आपने चॉक का इस्तेमाल किया, चार्ट पेपर यूज़ किया, मॉडल यूज़ किया, पॉइंटर, मार्कर या ब्लैक बोर्ड या रोलर बोर्ड, ठीक है, या फिर आपका जैसे कोई वस्तु हो गई टॉपिक से रिलेटेड, तो जो भी चीज़ें आप यूज़ करेंगे टॉपिक को पढ़ाने के लिए आप टीचिंग एड्स में शो करेंगे। उसके बाद आएगा प्रीवियस नॉलेज, जिसे आप पूर्व ज्ञान कहते हैं हिंदी में। प्रीवियस नॉलेज की बात की जाए तो इसमें आप अपने स्टूडेंट्स के प्रीवियस नॉलेज के बारे में लिखेंगे कि उन्हें पहले से क्या कुछ पता है टॉपिक से रिलेटेड। जैसे कि यहाँ पर दिया है आपका दे हैव जनरल नॉलेज अबाउट वाटर, तो ये है बच्चों का प्रीवियस नॉलेज जो कि उनके टॉपिक से रिलेटेड है। उसके बाद आएगा इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस यानी जिसे आप प्रस्तावना प्रश्न कहते हैं हिंदी में। इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस की बात की जाए तो इसमें आप पाठ से संबंधित यानी जो भी आपका टॉपिक है उससे रिलेटेड आप क्वेश्चंस करते हैं, यानी आप एक तरफ से डेवलपिंग क्वेश्चंस ही करेंगे। जैसे ही स्टूडेंट रिस्पांस में नो रिस्पांस आएगा या फिर स्टूडेंट्स के लिए प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन आ जाएगा यानी उन्हें उसका उत्तर नहीं पता होगा जिसका आप क्वेश्चन कर रहे हैं, तो वहीं से आप अपने टॉपिक को लेकर के चलेंगे यानी स्टेटमेंट ऑफ द एम के बारे में बताएंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप मिनिमम 3 और मैक्सिमम आप 5 करिए जो भी आपके इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस हैं। तो आप इन्हें देखिए, आप वीडियो पॉज करके लिख लीजिएगा। उसके बाद हम देखेंगे स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम, इसमें आप लिख सकते हैं स्टूडेंट्स टुडे वी विल लर्न अबाउट वाटर इन डिटेल। तो ये हो गया आपका स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम जो कि आपके टॉपिक से रिलेटेड रहेगा।
ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे प्रेजेंटेशन क्वेश्चंस। प्रेजेंटेशन क्वेश्चंस की बात की जाए तो ये आपके प्रस्तुतिकरण प्रश्न होते हैं हिंदी में। प्रेजेंटेशन क्वेश्चंस की बात की जाए, इसमें आप टॉपिक को पढ़ाने के लिए प्रिपेयर रहेंगे। टॉपिक से रिलेटेड आप डेवलपिंग क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं, ठीक है। और साथ ही आप लेक्चर मेथड या फिर आप एक्सप्लेनेशन मेथड का यूज़ करते हुए पूरे टॉपिक के हर एक पॉइंट को क्लियर करेंगे। इसके लिए आप 6 कॉलम बनाएंगे। फर्स्ट रहेगा आपका सीरियल नंबर, सेकेंड रहेगा टीचिंग पॉइंट, थर्ड रहेगा पीपल टीचर एक्टिविटी, फोर्थ रहेगा स्टूडेंट्स रिस्पॉन्स, फिफ्थ रहेगा टीचिंग मेथड और सिक्स रहेगा ब्लैक बोर्ड वर्क। तो इस तरह से आप 6 कॉलम बनाएंगे। सबसे पहले आप टीचिंग पॉइंट में डेवलपिंग क्वेश्चंस पूछेंगे, ठीक है। आप क्वेश्चन पूछेंगे और स्टूडेंट रिस्पॉन्स में स्टूडेंट उनका आंसर देंगे। टीचिंग मेथड की बात की जाए तो यहाँ पर आप क्वेश्चन आंसर मेथड यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि आप क्वेश्चन कर रहे हैं और आपके स्टूडेंट उनका आंसर दे रहे हैं। जैसे ही नो रिस्पॉन्स आएगा स्टूडेंट एक्टिविटी में, वैसे ही आप एक्सप्लेन करेंगे, यानी आप लेक्चर देंगे जो भी आपका टॉपिक है, यानी वाटर के बारे में, ठीक है। तो आप इन्हें देखिए, आप वीडियो पॉज करके एज इट इज कॉपी कर सकते हैं। जब आप एक्सप्लेन करते हैं टॉपिक को तो स्टूडेंट एक्टिविटी में स्टूडेंट्स आर लिसनिंग केयरफुली, ठीक है। और यहाँ पर यानी टीचिंग मेथड की बात की जाए तो आप लेक्चर मेथड या एक्सप्लेनेशन मेथड डाल सकते हैं। तो आप इन्हें देख लीजिए, सारे पॉइंट लाइन से दिए हुए हैं, ठीक है। लाइन से ही हम देख रहे हैं ताकि आप कंफ्यूज बिल्कुल भी ना हो। आप चाहें तो टीचिंग पॉइंट अपने अकॉर्डिंग भी इंक्लूड कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो इनमें कुछ पॉइंट कम भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आप जब भी डेवलपिंग क्वेश्चंस पूछते हैं तो टीचिंग मेथड में आप क्वेश्चन आंसर मेथड, और जब भी आप एक्सप्लेन करेंगे तो एक्सप्लेनेशन मेथड या फिर आपका जो लेक्चर मेथड है उसके बारे में लिखेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर जो आपके प्रेजेंटेशन क्वेश्चंस थे वो कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है। ब्लैकबोर्ड वर्क में वाटर से रिलेटेड कोई भी पॉइंट दिखा सकते हैं कि प्योर वाटर जो आपका होता है कितना परसेंट होता है, वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद आएगा कॉम्प्रहेंसिव क्वेश्चंस, यानी जिसे आप बोध प्रश्न या बोधात्मक प्रश्न कहते हैं हिंदी में। कॉम्प्रहेंसिव क्वेश्चंस की बात की जाए, इसमें आप अपने स्टूडेंट्स की मेंटल एबिलिटी को चेक करने के लिए टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन दे सकते हैं और जांच सकते हैं कि जो भी आप टॉपिक पढ़ा रहे हैं उन्हें समझ में आ रहा है या नहीं। तो इस तरह से आप मिनिमम 2 और मैक्सिमम आप 5 डेवलपिंग क्वेश्चंस दे सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे आपके जो ब्लैक बोर्ड वर्क है उसको लेकर के। ब्लैक बोर्ड वर्क की बात की जाए तो इसमें आप ब्लैक चार्ट को काट करके व्हाइट स्पार्कल पेन से चीज़ें वैसे ही मेंशन करेंगे जैसे कि आप फर्स्ट पेज पे करते हैं। डेट हो जाता है, क्लास, सब्जेक्ट, टॉपिक, पीरियड और ड्यूरेशन, और इस तरह से फॉर्म्स ऑफ वाटर को आप दिखा सकते हैं, ठीक है। तो आप इन्हें देखिए, आप इसे वीडियो पॉज करके लिख सकते हैं। आप चाहें तो सेल्फ भी ब्लैक बोर्ड वर्क ऐसे ही बॉक्स टाइप का बना करके इन चीज़ों को मेंशन करके इसे लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर बात हो गई ब्लैक बोर्ड वर्क को लेकर के। उसके बाद आएगा इंस्पेक्शन वर्क, यानी जिसे निरीक्षण कार्य कहते हैं हिंदी में। इंस्पेक्शन वर्क की बात की जाए तो इसमें आप क्लास का सुपरविज़न करेंगे। जब आपके स्टूडेंट्स ब्लैक बोर्ड वर्क राइट कर रहे होंगे या फिर टॉपिक को रीड कर रहे होंगे, तब आपके द्वारा निरीक्षण कार्य किया जाएगा। तो वही दिखाया गया है कि इंस्पेक्शन वर्क आप कैसे करेंगे, ठीक है। तो आप इन्हें पढ़िए, आप वीडियो पॉज करके लिखिएगा। उसके बाद आएगा रिकैपिटुलेटरी क्वेश्चंस। रिकैपिटुलेटरी क्वेश्चंस ये आपके रिवीजन वर्क टाइप क्वेश्चंस होते हैं, क्योंकि इसमें आप पूरे टॉपिक का दोबारा से क्लास में रिवीजन करवाते हैं। इसके लिए आप टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन दे सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर आपका क्वेश्चन आंसर दिया है, आप बिल्कुल ऐसे ही दे सकते हैं, ठीक है। आप चाहें तो इन्हें कम करके यानी 2 या 5 भी दे सकते हैं। कम अपने हिसाब से करिए, बढ़ाना है तो अपने हिसाब से बढ़ा सकते हैं, ठीक है। लास्ट में आएगा होमवर्क, यानी जिसे आप गृह कार्य कहते हैं। होमवर्क की बात की जाए तो इसमें आप बच्चों को घर से करने के लिए टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन दे सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है। आप चाहें तो ट्रू एंड फॉल्स या फिर मैच द फॉलोइंग या फिर आपका जो मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चंस होते हैं, या फिर आप शॉर्ट नोट्स भी लिखने को दे सकते हैं वाटर पर। तो इस तरह की चीज़ें भी आप दे सकते हैं, या फिर आप चाहें तो जैसे रिकैपिटुलेटरी में क्वेश्चन आंसर दिए हैं आप क्वेश्चन आंसर भी दे सकते हैं। तो इस तरह के कार्यों को आप बच्चों को घर से करने के लिए देंगे, और जब बच्चे इसे नेक्स्ट डे घर से करके लाएंगे तब आप उन्हें चेक करेंगे, ठीक है।
तो इस तरह से यहाँ पर जो हमारा लेसन प्लान नंबर 5 था वो कंप्लीट हो गया है। इसके नेक्स्ट वीडियो की बात की जाए तो हम बात करेंगे लेसन प्लान नंबर 6 को लेकर के, जो कि आपके साइंस सब्जेक्ट से रिलेटेड रहेगा एक नए टॉपिक पर, तो इसे हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो आई होप दोस्तों आप सभी को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे चैनल स्टडी विद स्वाति को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करे। साथ ही वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना ना भूलें। कमेंट के माध्यम से आपके जो भी प्रश्न हैं आप उनका उत्तर पूछ सकते हैं, आपके कमेंट का रिप्लाई किया जाएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अपने एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड्स, कीप वॉचिंग एंड शेयर टू अदर्स। थैंक यू।